मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कहा कि बंगाल में अन्याय और जुल्म की पराकाष्ठा हो गई है। तानाशाही खत्म करने के अभियान में शामिल होने की बात भी कही। इसके साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी ममता की तृणमूल कांग्रेस की तानाशाही समाप्त करेगी। उन्होंने कहा कि यहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है, उसके अफसरों को गिरफ्तार किया गया और जो जांच में गड़बड़ियां हुई हैं वो पता न चल जाए, इसलिए जांच को रोका गया है। अब तक तानाशाही की अंत, अब इस पूरे ही मामले को लेकर तानाशाही का अंत सुनिश्चित नजर आ रहा है। बंगाल में अन्याय की अति हो गई है, जुल्म की पराकाष्ठा हो गई है, लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज मैं भी बंगाल आया हूं तानाशाही खत्म करने के अभियान में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ममता जी की तृणमूल कांग्रेस की तानाशाही समाप्त करेगी। कभी यहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो देश के लिए खून मांगते थे। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्ता बनी रहे इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का खून बहा रहे। 65 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है हमारे, और जिस ढंग से जांच एजेंसी को जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर जांच कर रही थी सीबीआई, उसके अफसरों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में जो गड़बड़ियां हुई वो पता ना चल जाए, इसलिए जांच रोक की गई है। ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता कि मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर साथ साथ धरने पर बैठे हों। अब इस तानाशाही का अंत सुनिश्चित है।